जो है हम लोग पांचवा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चौथा चैप्टर में यदि कोई क्वेश्चन बचा है तो निकालिए, लाइए गेस उस किताब लाइए। हाँ गेस से क्या क्वेश्चन बताइए, डायरेक्ट 14 उससे पहले मक्खी ऊपर ध्यान कर देते। 5 नंबर क्वेश्चन देखो था 5। अच्छा विविधकर बोलता है निकालेंगे तो बताते हमने आपको, डी निकालेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखो तो 5 नंबर, अरे यार मक्खी कहां से चल रही है, गेस से कन्वर्ट। हाँ ये चैप्टर चौथे का क्वेश्चन है, सीधा लिख रहे हैं ना, निभा चैप्टर का क्वेश्चन है वाला, गेस से कन्वर्ट पेज हो 5। बोला यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्य है और अल्फा माइनस बीटा वाला 1 तो के का मान क्या कीजिए, तो लिखिए हल, क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन क्या दिले है एक्स स्क्वायर है ना माइनस 7x प्लस कथी प्लस के यही है ना। हाँ चलो इसमें जो है अल्फा बीटा शून्य है तो फॉर्मूला जानते हो ना, देखो यहाँ पे दे ले कथी को देखो, तो पहले अल्फा माइनस बीटा कितना दे ले, इसको समीकरण कितना मान लो अच्छा बराबर दे ले हूँ ना, बराबर तो दे ले है लिखवे नहीं किया, बराबर कितना इसको समीकरण कितना मान लो एक चीज जानता है अल्फा बीटा बराबर कहते माइनस बी बाई होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा जस के तस माइनस जस के तस बी का वैल्यू कितना है माइनस में 7 है ना बटा में ए का वैल्यू ए, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे लिखा रहा है रे कितना माइनस गुने माइनस का थी समीकरण समीकरण एक तथा कैसे दूसरे रूपीकरण लगाओगे तो अल्फा माइनस बीटा दे ले कितना 1 दे ले ना, और 2 में देखो तो अल्फा प्लस कितना दे ले कितना 7 दे ले। चलो साइन चेंज कर दीजिए तो ऐसे बीटा कट गया, तो अल्फा अल्फा का अल्फा 8 हो गया, 2 चौके 8 अल्फा बराबर कितना 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी बाई ए, अल्फा का वैल्यू कितना अच्छा अभी निकालोगे ना, बीटा नहीं निकला समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 1 का है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। चलो भाई अल्फा का वैल्यू कितना है 4 माइनस बीटा बराबर कितना 1 हो गया। इधर देखो तो गौर से देखो तो माइनस बीटा है ना बराबर 1, 4 इधर प्लस में उधर क्या हो गया तो माइनस बीटा बराबर कितना माइनस 3 हो जाएगा घटेगा तो माइनस से माइनस के लो बीटा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना निकला 4 गुण है बीटा का 3 बराबर सी सी बाई ए, तो सी ये है ए का वैल्यू 1 गुणा किसका होगा से है ना, ये माइनस ना समझ हल देके ऐसे ऐसे दिया जाता से है ठीक ना। तो भाई कितना हो गया 12 बराबर के ना, पूछा था तुमसे होता ही है जरा जो नहीं बताया क्या नंबर है और क्वेश्चन भैया 8 नंबर देख लेते चलो। हाँ हाँ भैया बोला अरे तो हम पहले तीन कर देते हाँ अरे सीधा लिख सकले हा तू ऐसे सीधा लिख लेते कंफ्यूजिंग हुई चलिए तो ये चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है चौथा ही चैप्टर से ठीक है ना, इसी पेज से कह रहा है हल करे कथी करे हल करे करेंगे ही हल, उतारो भाई तुम लोग उतारो पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो हल में क्वेश्चन जितना बनाना था उसको जस के तस लिखते और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा ठीक है ना। चलो बोलो भाई इतना हो गया उतारो पहले तो देख रहे हैं आगे चलिए ये इसमें दिख ही नहीं रहा है ना, चलिए हो गया कैसे कैसे हो गया चलो काहे ऐसे हो गया भाई बोर्ड, अरे कसा कला न रहा है वो हम सोच रहे हैं से का सारा ले
ये वाला हो गया ना प्रश्न, दिखाई ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दोनों तरफ कथी का दो बड़ कर दो, ठीक है ना, कथी का दो बड़, लिखो दोनों तरफ बड़ करने, बड़ करने तो बड़ करो कितना हो जाएगा ना रूट अंडर 13 माइनस एक्स स्क्वायर है ना भाई, एक्स प्लस कथी हो गया, चलो तो बड़ जैसे रूट कथी हो जाता है कैंसिल, पता होना चाहिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस कथी बी स्क्वायर हो गया ना। चलो भाई अब क्या करेंगे, सब को इधर ले आएंगे, बोलो ले आए तो माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, ये भी आएगा प्लस में, इधर आके कथी में माइनस में एक्स स्क्वायर है ना, एक्स बराबर चाहिए ना, तो पांच गुना कितना दस एक्स होगा, तो माइनस में दस एक्स हो गया। चलो प्लस प्लस में तेरह पच्चीस होगा ना, पांच के स्क्वायर पच्चीस, इधर आके माइनस में पच्चीस हो जाएगा, बराबर कथी बच गया लड्डू। चलो अब गौर से देखो, एगो एक्स स्क्वायर एगो तो कै गो माइनस में दो गो एक्स स्क्वायर माइनस में दस गो एक्स, अब कोई एक्स वाला नहीं ठीक है, तेरह और पच्चीस माइनस में हो जाएगा कितना बारह, बराबर लड्डू। अब करें दो दो कॉमन है, माइनस में दो कॉमन कर लेंगे, कैसी बच गया यहाँ पे माइनस दो हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना पांच एक्स माइनस कॉमन हो जाए तब प्लस में कितना छ, सही छो बराबर ये गुना में कथी में चल जाएगा, पता है ना, तो खत्म हो जाएगा ना, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छ बराबर कथी हो गया जीरो। अब चाहो तो तुम इसको द्विघात से बना सकते हो या गुणनखंड विधि से, कथी से बना दे बताओ हमको, गुणनखंड से बता दे, द्विघात से भी बना सकते हो, चलो गुणनखंड से बता देते चलो। तो फर्स्ट वाला से कथी है ना छ एक्स कथी हो गया स्क्वायर, पांच को इस तरह से तोड़ना है पांच को इस तरह से तोड़ना है, कथी चल रहा है गुना करने पर कितना घटाने पर पांच, पांच ही एक्स रहना चाहिए, वो बच्चा भी सजेशन दिया है कि दो और तीन लीजिए, दो और तीन को जोड़ेगा तो दो में कितना आएगा पांच हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो दो तीन छह छह फिर एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो गुणनखंड तो सब पढ़ा है होता है द्विघात चैप्टर, द्विघात से बना दे इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सेट करना होगा तो ई लेके सेट कर लेना ठीक है, हम द्विघात से इसको बना देते ठीक है। चलो कथी से बना तू सब वोट दो गुणनखंड से द्विघात से बना, द्विघात में पता है ना द्विघात कुछ लगाओगे ऊपर लिख लो द्विघात सूत्र से क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बटा में टू ए ठीक है ना। चलो तो एक्स बराबर क्या हो गया माइनस बी का वैल्यू कितना है किधर पांच, चलो प्लस माइनस अपन चाहिए रूट अंडर बी का वैल्यू पांच, पांच के स्क्वायर माइनस चार गुणे ए, ए का वैल्यू एक गुणे सी, सी का वैल्यू छ, वाह वाह बटा टू गुणे ए यानी एक, भाई साहब हम लोग देख रहे हैं तो माइनस पांच हो जाएगा प्लस माइनस हो गया पच्चीस, पच्चीस हो गया चौबीस, चौबीस होता है आता है आता है हमको भी मैं खा रहा हूँ दूध कम, तो एक्स बराबर कितना हो गया माइनस पांच है ना रूट अंडर कितना बटा में एक्स बराबर कितना हो गया माइनस पांच प्लस एक है ना, एक्स बराबर कितना माइनस पांच है ना और माइनस एक बटा में अपने यहाँ कोई कैसे अरे रूट पे रूट के अंदर एक रहता है उसको कोई फर्क है ठीक ना, देखना जोर में एक ना एक बराबर कितना गया माइनस चार बटा में दो, क्या मरते दो मरते कट गया है ना, फिर यहाँ पे देखो तो एक बराबर कितना माइनस छह बटा में दो, क्या मरते तीन मरते इसलिए फाइनली एक्स बोलते एक्स का वैल्यू आ गया कितना माइनस दो माइनस ठीक है। चलो ओके उतार लो गुणनखंड से कोई बनाना चाहते तो उसके लिए भी हम तक बताएंगे सजेशन, हाँ बोलो कथी बोल रहा है तू बोलो ना, तो कुछो से बनाया ना दुखातों से उतार लेगा, हाँ कुछो से बनाएगा तो सही है उतार ले
चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो है हम द्विघात से बना है। यदि तुम गुणनखंड से बनाना चाहोगे तो क्या करोगे, जो गुणनखंड से कोई बच्चा बनाना चाहता है तो लिख सकते हो दूसरा विधि से, हम समझा देते खाली, कहीं लिखाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको, जैसे कहता है यहाँ 2x यहाँ 3x है ना, हो गया प्लस में 6 बराबर कितना हो गया 0 प्लस होते हुआ ना 2x ये हो गया ना। अब दोनों में कॉमन करोगे तो दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ठीक है ना, यहाँ बच गया कथी 2, फिर दोनों में कथी कॉमन है प्लस 3, यहाँ बच गया एक्स प्लस में कथी 2 बराबर 0, एक्स प्लस 2 घर में से निकल गए, बच गया कथी यहाँ पे एक्स यहाँ पे 3 बराबर कथी 0। अब इसके आगे तो आता ही हाँ। बोलो ना छोड़ते ही जाऊँ ना, चलो सर गैस में भी बना लिया होगा यही विधि से, देख लेना ठीक है, मिटाए इसको हाँ। कहाँ है मिटाए वाला, कहाँ है विमल, कहाँ वो एकदम भीजल है फिर गड़बड़ा जाए, क्या करे सब कोई सब भिजा दिया, अब यार रुमाल इतना भिजो रहा नहीं भिजल है वो यहाँ भिजल। चलिए देखिए आगे आगे तो अगला क्वेश्चन और है कोई डे चौदह नंबर 14 हाँ। अरे पांचवा चैप्टर भी शुरू करना है बस एक के होए है देखो पांचवा बोले 14 नंबर क्वेश्चन देखिए सब आदमी 14 नंबर देखियो बोले देख लिए सब आदमी पढ़ने तू था पढ़ो भाई सब क्या करा 14 मूल ज्ञात कर देखिए गौर से करा द्विघात के लिए इतना के मूल ज्ञात करे, अरे कले क्वेश्चन बनवाए है ये आपके हाथी में के है किताब, अरे कल ही बना ले कॉपी पे है कल देखो दम कल ही बनवा लूं, चलो जाकर दे ध्यान रखे 14 नंबर ये बतवा दिए बुआ वो बना ले अति पता एक दार समझा दे ना बस बना ले तेरे सर आए लाई कंफ्यूजिंग होता है तो लो देखो भाई देखते के तो होवे ना एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 बराबर 0 है मूल बताओ, चलो यही करना हां लगाते हो ना सॉरी गलती बी बराबर कहते बी स्क्वायर माइनस यही है ना, चलो डी बराबर का थी बी का वैल्यू माइनस 2 रूट 2, अरे ऐसे करो डायरेक्ट द्विघात लगाओ ना डायरेक्ट लगाना डायरेक्ट हाँ प्रकृति बनाना नहीं ना बताना इसका देखो एग्जाम में यदि खाली ऐसे बनाना है तो या तो तुम डायरेक्ट बना दो चाहे ए बी सी निकाल लेना ठीक है ना, तो ए यदि निकालना चाहो तो कितना हो गया ए, बी कितना हो गया और सी कितना हो गया ए, द्विघात सूत्र क्या है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी है ना, बटा में कितना 2 गो न, चलो भाई माइनस बी का वैल्यू कितना भाई देखो माइनस 2 रूट 2 माइनस मैंने तो ब्रैकेट में हमेशा रखो बी स्क्वायर यानी माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए ए का वैल्यू कितना भाई 1 गुणे सी का वैल्यू 1 बटा में 2 गुणे ए ए बोले था 1 हाँ तो माइनस माइनस प्लस रूट 2 रूट 2 हो जाएगा जिसके तस है ना, इसका स्क्वायर 2 4 इसका 2 4 दूना 8 और 4 एक कम 4 चलो भाई हाँ। कितना हो गया प्लस के चलो हटाओ ना भाई प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस कितना हो गया 4 बटा में 2 एक दा प्लस में एक दा माइनस में चलो भाई 4 का निकाल जाते ही 2 2 निकाल जाते इसका 2 निकाल दो हो गया हाँ। और यहाँ पे देखो एकदा प्लस में यही ना 2 रूट 2 बटा 2 एकदा प्लस में 2 करोगे है ना, एकदा 2 रूट 2 माइनस 2 बटा में यही है ना हाँ।
तो भाई यहाँ पे लिखे था इसमें से क्या होगा दो कॉमन होगा कथे होगा दोनों में क्या दो कॉमन है दो कॉमन करेंगे तो यहाँ रूट दो बच जाएगा यहाँ पे एक बच जाएगा बटा में कितना दो ठीक है ना दो से दो के लो ठीक है एक मारते थे एक नहीं लिखता है कोई दिक्कत नहीं ना एक मारता है चलो लिख सकते चाहे छोड़ दे एक्स बराबर फिर यहाँ भी दो कॉमन करेंगे रूट दो यहाँ पे दो निकला था बच गया एक बटा में कितना दो से दो के लो इसलिए एक्स का वैल्यू कितना हो गया रूट दो प्लस वन कॉमा रूट दो माइनस चलिए उतारिए इसको ऐसा करो ना जैसे ना ऐसा करो चाहे उतारो उतार उतार उतारा रे तू उतारा हम उतार ले अरे उतार तो बतिया रहा था आप समझ गए तुम्हारे फायदा के बाद की अब हम देखने नहीं जाएंगे तुम समझो ठीक है ना देखो भाई 14 हो गया ना कम्प्लीट क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार 15 देख लिया सब चार एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 तो एक्स का मान निकाले दिखा सबको ऐसे प्रश्न को आराम से बना लो क्या नंबर है 15 शॉर्ट वाला में बताइए हाँ शॉर्ट वाला में चार एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना हो गया यही है ना इसको बनाने के लिए क्या करो इसको उधर भेज दोगे है ना चलो एक्स स्क्वायर 25 आई गुना में कथी में तो एक्स बराबर कथी का रूट चढ़ जाएगा 25 बटा में कितना इसलिए एक्स का वैल्यू निकलेगा बाहर है ना 5/2 प्लस माइनस 5/2 सही है तो ऑप्शन में क्या होगा आंसर में या तो ऐसा भी निकल रहा सकता है एक्स का वैल्यू 5/2 -5/2 ऐसे में मिल सकता है पहले बता रहे हैं ये रूट के पहले प्लस माइनस दोनों होता है चलो लिखो तो अब क्वेश्चन नहीं ना इसमें ना। चलो अब जो हम लोग चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं ठीक है ना समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी भी कहते हैं ठीक ना बड़ा फेमस नाम है इसका एपी कथी एपी ठीक है ना इसका चुरा रहा है अल्लाह इधर के लिए चलो तो ध्यान दो एपी ए बोला ध्यान दो एपी सबसे पहले कोई समझो एपी में जो है प्रथम पद की बात करें कथी प्रथम पद लिखो मत ठीक ना तो इसको ए लिखते हैं ठीक ना ए वन या ए ठीक है ना द्वितीय पद की बात करें द्वितीय पद तो इसको हम लोग जो है समझा ए टू लिखेंगे और ए टू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस डी ठीक है ना तृतीय पद की बात करें तृतीय पद ठीक ना इसको हम लोग जो है ए थ्री लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए प्लस टू डी ठीक है इसी तरह चतुर्थ पद की बात करते ए फोर यानी ए प्लस कै गो डी तीन गो डी ठीक फिफ्थ यानी पांचवा पद की बात करते ए फाइव बराबर हो जाएगा ए प्लस का थी फोर डी इसी तरह से जो है एनमा पद की बात करेंगे कौन सा पद एनमा पद की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हाँ ऐसे कैसे तो देखो गौर से देखेगा तो जितना पद की बात किए हैं उस सब में से एगो डी घटा लिए हैं सब में से एगो डी घटा लिए हैं सब में से एगो डी घटा लिए तो एनमा पद की बात करें यानी अनंत पद की बात करें एनमा मतलब एन के जगह कयो वैल्यू रख सकता है बीसवा पच्चीसवा तीसवा कयो रख सकता है तो डी यानी एन में से कथी करेंगे एगो घटा के डी हटा देंगे तो ई फाइनल हो गया एनमा ठीक है ना अब यहाँ पे समझ लो कुछ पॉइंट को जैसे जहां पे ए ठीक ना ए को हम लोग कथी बोलते हैं प्रथम ठीक ना इसमें एन जो हो गया पदों की संख्या पदों की संख्या संख्या गौर से समझना ओके और डी हो गया सार्व अंतर सार्व या पदांतर ठीक है जिसे कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं आपको नोट में दे है सब कुछ ठीक है चलो ठीक है और ए एन जो हो गया एनवा पद हो गया कथी हो गया एनवा पद या इसी को हम लोग बोलते हैं अंतिमा पद अंतिमा पद ठीक ना ए एन को हम लोग ए एन को समझा ए एन को इसी को या करके एल से भी डिनोट करते हैं ठीक ना या टी एन से भी डिनोट करते हैं ठीक है
ओके चलो अब यहाँ पे जो पद शब्द यूज कर रहे हैं, पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, कथी बोलते हैं टर्म, कथी बोलते हैं टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी आपने लिखा, उसके बाद थोड़ा सा इधर लिखा है, ठीक ना। पहले तो ऐसे लिखोगे फिर इधर समझोगे। एक यदि हम एपी का एग्जाम्पल लेना चाहे, ठीक है, एपी का जैसे ले रहे हैं 2 4 6, ठीक है ना, आओ लेते हैं हमारे लिए, ठीक है। इसमें से पूछता है आपसे प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, प्रथम पद बताइए कौन सा पद, प्रथम पद, प्रथम पद को कैसे लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं ना, ए चाहे ए वन, तो प्रथम पद जो पहला होगा उसे बोलते हैं प्रथम पद। कितना है पहले, दो है ना, दो है, दो है, प्रथम मतलब पहला, उसके बाद आपसे पूछे कब हुआ, सार मंत्र बताइए कथी, सार सार मंत्र क्या बोलते लोग, दी, ठीक ना। तो सार मंत्र कैसे निकलता है समझ लो, बाद वाला में से पहले वाला के घटा लेंगे, ठीक ना, बाद वाला से पहले वाला कथी घटा लेंगे। तो बाद वाला कौन है, चार, तो चार में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, पहले वाला घटाएंगे तो 2 आ गया, ठीक है ना। फिर मान लो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 6 में से कथी 4, बाद वाला में से पहले वाला 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 2, 2 आएगा। यानी सार्वंतर या पदांतर जिसको बोलते हैं, जिसे कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, निकालना होगा तब बाद वाला में से पहले वाला, ठीक है ना। अब देख लो ऐसे चेक करने के बाद, यानी 2-3 को पद को चेक कर लेना, यदि सार्वंतर सबका सेम आ रहा है तो ये कहेगा ये कसी में एपी में है, यदि ऐसा नहीं आ रहा है यानी सब कॉमन डिफरेंस अलग अलग निकल रहा है, चाहे तनको डिफरेंस आ रहा है अलग अलग निकल रहा है तनको भी, तो एपी में नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक चीज यानी हम कह सकते हैं कि एपी के लिए सार्वंतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी डी का फॉर्मूला हो जाएगा ए टू घटे कथी, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं, ठीक है ना, टी टू घटे कथी टी वन, टी टू घटे टी वन, ठीक है ना, समझा पूछो, आओ नीचे लिखे, बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा, समझा, ए टू घटे कथी ए वन, या ए थ्री घटे ए टू, ए फोर घटे ए थ्री, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लिखना चाहे तो क्या निकल सकता है, और डी का फॉर्मूला क्या निकल सकता है, ए थ्री घटे कथी ए टू, समझ रहा है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और ए से तीसरा पद दूसरा पद, टी मतलब होता है टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, दूसरा रूप में ऐसा लिख सकते हैं टी टू माइनस टी वन या टी थ्री माइनस टी टू, समझ में आ रहा है सबको। तो जितना भी समझ है हैया से हैया से हैया, अपनी हैया से हैया, ठीक है ना, आपको उठा लेना, ठीक ना। अब बताइए तो ये जो है क्वेश्चन नंबर, हम इससे पूछ रहे हैं एपी 2, 4, 6, 8 एपी में है, ठीक ना, ये जो है एपी में इतना लिख देंगे, इतना 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 एपी में, ठीक है, बोलिए है ना एपी में, समझा गया ना, पूछेगा। हम अभी अच्छा से जिंदाबाद वाला क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन मत लो, उतारो ऐसे ये पूरा लिख लोगे फिर एग्जाम्पल के रूप में लिखना, ठीक है, हो गया भाई, नहीं गेस लाओ, गेस लाओ भाई, एक आदमी कोई, चलिए ये लिख लिए, गेस निकालिए, गेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, सब आदमी निकालिए, सब आदमी पेज निकालिए, 34 चौतीस, हम रुकल है, अरे 34 नंबर पेज निकालो, पहले मिला, हाँ चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में, 5 नंबर पाँच देखो ना, जितना करे उतना पहले देखो, चलो क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले जो लिखा है अब उसको बता, ए क्या है, ए टू दूसरा पद, दूसरा पद तो कैसे लिखेंगे, ए टू बराबर क्या होगा, ए टू क्या होगा, तो ए प्लस डी होगा, ए थ्री क्या होगा, ए प्लस टू डी होगा, एन क्या होगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। अभी बताया तो ध्यान नहीं देता, बतियाने में और ध्यान दो। डी क्या है? सार्वत्र यानी पदांतर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। चलो तो क्वेश्चन नंबर कितना है? पांच। ऑब्जेक्टिव है कथी है? ऑब्जेक्टिव है आपका कथी से गेस से है, ठीक है ना? हाँ गेस से है। क्वेश्चन नंबर कितना है? पेज अपना लिख लेना भाई। अब यहाँ पे देखे कह रहा है पांचवें क्वेश्चन में कि एपी 4, 10, 16 एपी 4, 10, 16 22, 28 का सारवंतर ना? का कथी पूछा है? सारवंतर अंतर होगा। चलो तो सारवंतर निकालने का क्या तरीका है कि बाद वाला में से कथी कराना है? पहले वाला घटा देना है, पहले वाला घटा देना है। तो देखो तो यहाँ पे 10 में से कितना घटाओगे? 4। डी का फॉर्मूला है ना, एगो चलो एक बार फॉर्मूला लिख देते। ए टू घटेगा थी ए वन है, तो ए टू कितना है? 10 है। ए टू मतलब दूसरा पद, ए वन मतलब पहला पद, तो घटाओ 4, कितना हो गया? 6, ठीक है ना। अब देखो जांचने के लिए बोलेगा तो दो चारों को निकालना, चाहे कम से कम तीन को निकालना, लेकिन सिर्फ निकालने के लिए बोला है तो डायरेक्ट निकाल दो। आई सब लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पता है ना। अब तो करा रहे थे कहीं वो लिखा दे, तो माइंड में हो जाता 10 में से 4 गए 6, 16 में से 10 गए 6, 22 में से 16 गए 6, 28 में से 16 गए मतलब 22 गए 6, 6 6 6 6 आ रहा है ना। तो सबके पदों का अंतर कितना है? 6 है। दिस इज पदांतर, ठीक है ना? ठीक है, समझा? कौन सा ऑप्शन होगा देख लिया? उतारो क्वेश्चन, समझ में आया सबको? चलो एक केदार उतारना था, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला था? 4 बोला था कोई? 4 बोला था, लेकिन 4 से पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2, 4 से पहले क्वेश्चन नंबर कौन देखो? 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब हल्ला ना करो, ध्यान दो यहाँ पे। 2 देखो, 2 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? एन कर रहा है, तो ऑप्शन ए देखो, तब ऑप्शन ए 1k² है ना, कॉमा 5k², कॉमा 7k² कॉमा 7k³, ऐसे है ना। 1k² 1 होगा, 5k² 25 होगा, 7k² 49 और फिर 7k³ तो 49 × 200 = 100, 49 × 7 3 × 3 = 3 और 7 × 28 28 × 6 = 34 343। हालांकि इसका क्यूब याद रखना, पहले बता रहे हैं कितना होगा? 343। अब देखो तो इसका जांच के कथी जांचना है, पदांतर सेम होना चाहिए, तो 25 में से गया तो 24 और 49 में से 25 गया तो 24। तू तो यहाँ तक देखने के बाद टिक लगा देगा, ये तो है ही है, यहाँ तो है ही है। हम अभी बताए थे जब जांचना होता कम से कम 3-4 को निकाल लो, यहाँ निकालोगे तो 24 आएगा? नहीं आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए गेलो, एपी में होगा? नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कै बी, सॉरी ऑप्शन बी। अच्छा पूछा ना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को ही नहीं एपी बोलते हैं। ऑप्शन बी चेक करो भाई, ऑप्शन बी √2 √8 √32 √2 को √2 रहने दो, 8 को √8 को ऐसे लिख सकते हैं, और √18 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब जिसको पता नहीं है तनका देख लो कैसे कैसे लिखते हैं। 8 को तोड़ोगे आए 4 मरतब, फिर क्या मरतब है? 2 मरतब, तो रूट के अंदर 8 रहेगा, तो ऐसे इसको लिख सकते हो आए 2 × 2 × 2 ये बाहर निकलेगा था 2 हो गया, फिर 8 का हो गया, फिर कितना है? 16 दले है, 32 18 दले, 18 के तोड़ोगे ऐसे 2 से तो कितना हो गया? 9, फिर 3 से तो 3 हो गया, तो 18 को लिखने के लिए कैसे लिखते हो तुम? 3 × 3 × 2 कितना 9 दूंगा 18 हो गया, इसको बाहर निकल सकते, जोड़ा बाहर निकल जाता हो गया। उसके बाद 32 को लगा 2 से तो 16, 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2 हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
हाँ।
चलो अंतर निकालेंगे तो एक में से एक घटाएंगे, दो गो रूट दो में से एक रूट दो घटेगा काय को, तीन गो रूट दो में से दो गो रूट दो घटेगा काय को, चार गो रूट दो में से तीन गो रूट दो घटेगा काय को, समझ आया? सब में एक रूट दो एक रूट दो आ रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे करते हैं? अच्छा ना ही पूछ ले, अच्छा ठीक है ठीक ठीक रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, पहले ई क्वेश्चन देखिए तो हाँ यहाँ तक हो गया तो ए टू घटेगा थी ए वन घटा है ना, चलो देख हम घटा है देख घटा रूट आठ मतलब कितना, रूट आठ मतलब कितना, दो रूट घटे कितना एक रूट, कितना आ गया रूट दो आ गया, फिर रूट कितना अठारह मतलब कितना तीन रूट दो घटे कितना आ जाएगा दो रूट दो बराबर कितना आ गया रूट दो, तीन को रूट दो में से दो को रूट घटेगा तो एक बचेगा, फिर अगला कहती है बत्तीस, बत्तीस मतलब चार रूट दो घटे कितना तीन रूट दो कितना आ रूट दो आ गया, तो आपका एपी में है। अब यहाँ पे देखो कथी बोला था क्वेश्चन उल्लेखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन ए आया है, बी नहीं था, सी चेक करो, कथी सी सी चेक करो, जगह का नहीं उधर चेक करे ना, वो तो तुमको लिखवाएंगे हम, बहुत बच्चा को याद नहीं रहता है उसे, सब आना चाहिए निकालने, ठीक है ना? ऑप्शन कौन देखना है, सी देखना, सी ऑप्शन सी, सी में कितना भाई माइनस माइनस छ माइनस और ऐसी है ना, रेक निकाल ले, माइनस छ में से घटाओ कितना माइनस दस को, बताए थे याद है ना, कथी में लिखा है ब्रैकेट में बोलना मत, माइनस छ के छ हो जाएगा माइनस माइनस दस, तो इसको घटाओ तो कितना देगा चार आएगा, दस में छह चार, फिर देखो माइनस दो है ना, ये में से फिर इसको घटाओगे ना बाद वाला में से, माइनस घटाने के लिए फॉर्मूला है ना पता है ना, चलो माइनस में कितना छ, चलो माइनस दो के दो माइनस माइनस छो गया छो गया छो है दो घटे कितना माइनस करेगा बाकी हो गया जीरो, क्या ये सही है गलती है, वो देखो घर से माइनस दो इधर फॉर्मूला वाला हो गया, मान लो ये कहती है ए फोर घटे ए थ्री ए फोर घटे घटाओ तो फॉर्मूला वाला और फिर घटाओ में दे ले कितना दो के दो माइनस गुने माइनस प्लस हो गया कितना हो गया चार, सब में सेम आ रहा है यदि ये भी एपी में है अभी तक एपी में है। और यहाँ पे देखो डी हाँ डी में देखो इसको बीस बना दो कितना हो गया बाईस हो गया है बीस है बाईस हो गया है ना जीरो देखा तो ना हो जाएगा बीस यहाँ पे ऑप्शन कितना है डी बता ही देते हैं किधर है जीरो दशमलव दो कॉमा जीरो दशमलव कितना दो दो कॉमा जीरो दशमलव कितना दो 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 और लिख सकते इतने पर जाते हैं ठीक ना, तो बाद वाला में से इसको घटाओगे तो यहाँ इसको ऐसे बना सकते बीस घटा सकते तो बाईस में से बीस के लिए कितना दो हाँ ऐसे दो सौ बाईस है हाँ इसको दो सौ तीस करोगे दो सौ बीस करोगे चेक कर लो चेक बना बस तो इसको लेते हैं इसको घटाएंगे तो कितना जीरो दशमलव दो दो जीरो है ना बराबरी कर लेंगे सॉरी बाईस घटे लगा सकते ना अपना से को जीरो इधर घटाओगे तो कितना गया दो में से जीरो गया तो जीरो है ना दो में से जीरो गया तो जीरो दो में से फिर दो गया तो कितना जीरो कैसे घटा दिया वही हाँ दो में से जीरो गया तो दो हो गया है ना और दो में से दो गया तो जीरो क्या बात दस मतलब खत्म हो गया ना चलो दो बात दो के बाद दशमलव फिर जीरो का जीरो ना हो गया ठीक है जीरो दशमलव दो आया इसको जांचो बेकार है पहले हार क्वेश्चन ले लेना अभी लेंगे इसको बराबरी करने के लिए जीरो दे सकते फिर घटाइए दो में से जीरो के लाए दो में से दो के लाए जीरो दो में से दो के लाए जीरो है ना जीरो में से लिखने की जरूरत नहीं क्या उपाय दशमलव तीन तीनों एक दो एक दो तीन सीमा रहा है कहाँ कहाँ सीमा हो चुका दो गए पीछे एक और आगे बढ़ नहीं हुआ ठीक ना तो ए भी एपी में नहीं है एक क्वेश्चन है जो इनवैलिड है ले ले ला आंसर देने से मतलब नहीं होगा आंसर देने से क्या मतलब उल्लग दो दो बने का दे 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 इसमें दो गए एपी दे ले है दो गए एपी नहीं दे 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 ठीक ना तो इसका जो है इसमें क्या होगा ये क्वेश्चन है इनवैलिड है ठीक है क्वेश्चन को आप परिणाम करके दूर से छोड़ दीजिए क्वेश्चन
ठीक है ना। कितना क्वेश्चन था? दो नंबर। हाँ दो नंबर। ये क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन है ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ गलत है ठीक है। ठीक है रे, हाँ ये बड़ा उतारू जिसको पता नहीं कि कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन इनवैलिड हम दे रहे हैं नया क्वेश्चन ठीक है ना। क्या करोगे इनवैलिड तुमको, का आंसर आ रहा है तुमको नहीं। हम दे रहे हैं क्वेश्चन दे रहे हैं या चार दस है ना, 16 22 और इसमें निकाला था सार बनता न। आय दस घटे कथी और बुलाए ना है ए टू घटे ए वन, ए टू कितना भाई 10, ए वन कितना है 4, आय 4 कितना रहेगा 10 में 4 गया 6 है ना, ऐसे ही 16 में से 10 गया तो 6 है ना, 22 में से 16 गया तो 6, इसलिए डी कितना हो गया 6। ठीक है उतार लो, नहीं उतारा था कोई दिक्कत नहीं। कहाँ 10 में से 6 गलती से लिखा गया है, 4 गलती से ठीक है चल अब सही है। उतारो उतारो तो हम क्वेश्चन खोज रहे हैं, उतारो। एक चीज समझो बुआ, लगातार कोई संख्या का योग निकालना होगा ना, यानी उसका जोड़, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ठीक ना। तो लिखिएगा कुछ पॉइंट लिखिएगा, फिर क्वेश्चन एक दो हो जाएगा, उसको बता दे। अब लिख लिया ना रे? हाँ अब लिख लेगा। लिखोगे प्राकृतिक संख्याओं का संख्याओं का योग निकालना होता, फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग ठीक है ना। n इंटू कथी है n प्लस वन बटा में ठीक है ना, फॉर्मूला है ठीक है, एग्जाम में पूछेगा इसे। क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखोगे तो 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, गेस का 8 नंबर क्वेश्चन सबको दिख रहा है। उतार लिया सभी वाला? हाँ उतार लिया। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए बुआ, ऑब्जेक्टिव लिखा 1 + 2 + 3 डेटा कहाँ तक, एन तक बराबर है, किसके बराबर है, फॉर्मूला लिखा ना प्राकृतिक संख्या, बोले प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, इसके सूत्र क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अब इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सबको, अभी बोला है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, तभी बताया ना फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या हो गया ना, एन बराबर कितना है 100 है ना, नहीं 1 से 100 तक 100 ना हो गया, सूत्र क्या है भाई, एन इंटू है ना एन प्लस वन बटा में टू, एन का वैल्यू 100 है ना, 100 प्लस वन बराबर 100 के संयोग है ना, इसे काट दे 50 गुणे कितना होगा 100, एक एक के से तो गुणा करना, 0 का हमको नहीं लेके चलना, 50 तो हमको 0 ई वाला जो है ना, आई वाला 0 छोड़ देना, गरीब लेखा ठीक है ना, 5 एक 5 हो गया, 0 से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, 5 एक 5 हो जाएगा, ई 0 को छोड़े थे ना, गरीब लेखा अमीर लेखा कंजूस बन जाइए, इलावा भाई हम हो गया, दिस इज आंसर, क्या नंबर ऑप्शन हो गया बी, अपना सुधार लीजिए बी ठीक है ना। एक से 200 तक बोलता तो ऐसे निकालते हैं सूत्र पर, समझा गया ना, कि प्राकृतिक संख्या का योग निकाल के ही सूत्र हो गया ओके। हाँ एनी प्रॉब्लम तो बताओ, अब निकालिए एक्सरसाइज कितना, एक्सरसाइज 5.1 निकालो, अच्छा रुक जाओ, किताब निकालो किताब निकालो किताब किताब निकालो, 5 किताब किताब निकालिए सब आदमी, चलिए
उदाहरण एक देखिए, उदाहरण एक एपी तीन बटा दुई एक बटा दुई एक माइनस एक बटा दुई माइनस तीन बटा दुई के लिए प्रथम पद ए और सावंतर डी लिखिए, यानी प्रथम पद लिखना है और सावंतर लिखना है, बताइए अभी करना सिखा है कि नहीं? सार्वंतर पर और प्रथम पद ना लिख देगो तुम लोग, अच्छा से लिख दोगे, घटा उड़ा दोगे इस क्वेश्चन के। उदाहरण उदाहरण कितना एक क्वेश्चन है भाई, एपी तीन बटा दो है ना, एक बटा दो यही है ना, फिर बोलो ना खाली है माइनस एक बटा दू कॉमा माइनस तीन बटा यही है, इसमें कैसे निकला ए डी, तो ए तो निकल गया, पहला आंसर तो आ गया तीन बटा हो गया, डी निकालना है ना, तो डी निकालेगा फॉर्मूला ए टू घटेगा थी ए टू कितना भाई एक बटा दू घटे ए वन कितना तीन बटा दू, बचपने से सीख रहे कि हर सामान अगर लिख देगा ऊपर घटाते घटाते जो रहता जोड़ेंगे, ए का तीन घटाओगे से घटेगा कितना आएगा दो कौन भर का है ई ना है ई कौन भर का कौन है तीन ई माइनस में तीन माइनस में देना पड़ेगा चलो एक में से एक लिख कितना एक हो गया भैया लिख लो का इसको अरे उसको छोड़ दो गोला गोई तो ठीक है सुनो हम अभी क्या बताया है कि यदि सारा बनता निकालने के लिए बोले ए निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकाल दोगे, लेकिन जांचने के लिए बोले तो एक को जांच के संतुष्टि नहीं कर लेना, यानी एक को डी निकाल के संतुष्टि नहीं कर लेना, यहाँ से निकालने के लिए बोला था जांचने के लिए नहीं बोला था, यानी जांचने के लिए देगा तो तुमको फंसाने की कोशिश करेगा, यहाँ निकालने के लिए दिया है इसलिए फंसाने की कोशिश नहीं करना चाहता है कि तुम बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसलिए हम तुरंत एक को चेक किए, यदि यही जांचने के लिए बोलता यहाँ तक जरूर पहुंच जाते, ठीक है समझ में आ गया सबको, यदि समझ में नहीं आ रहा तो पूछ जरूर लेना हमसे, ठीक है ठीक कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है बताइए, इसी को देखते हुए इसी को देखते हुए अरे बोले आगे क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण दो है, बोला है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए, दो और अगला पद लिखना है, हम लोग रेडी है ना, अब यहाँ पे समझिए उदाहरण निकालो बुआ उदाहरण निकालो उदाहरण दो निकाल लिया सब समझ में आ रहा है ना रे, ऐसे जितना मजाक में पढ़ रहा उतने मजाक में क्वेश्चन पूछेगा तो उतने मजाक में बंद भी जाना चाहिए, अभी तार दिखा देना तखनी जो है एग्जाम में लाल कलम दिखाएगा, एपी में है यदि एपी में सुनो जांचना है तो एपी जांचने के लिए हम लोग कथी निकालते हैं डी है, समझ में आ रहा सबको, चलो भाई अरे यहाँ देखो यहाँ यहाँ क्वेश्चन देख लिया ना, अभी यहाँ बोर्ड पर देख उसको मत देख, दुका एक चार है दस है सोलह है बाईस है, ठीक ना, तो ये एपी में है कि नहीं देखना, तो भाई ए इसका कितना है चार है, डी जांचना था ए टू घटेगा थी ए टू कितना भाई दस ए वन कितना हो गया छह, लग रहा है कि अभी देखे इमाउन कर सकता है बाईस में सोलह गलत हाँ कितना यानी भाई एपी में है लेकिन और जांच लो ना और डी जांचना था देख लो ले ले सोलह में से दस गेल छो ले ले पूरा बाईस में से सोलह गेल छो एपी में है लिखेंगे चार कौमा दस कौमा सोलह कौमा बाईस है ना एपी में है कथी में है एपी में है एपी में है ठीक ना, अब एपी में है चाहे कथी बोला है दो और पद लिख लेंगे तो वन टू थ्री फोर कैमा पद निकाला है तो पचमा ए फाइव, तो ए फाइव का सूत्र क्या है ए फोर डी हो गया, ए का वैल्यू कितना चार प्लस चार गुणे सकल गुणे ना डी का कितना भैया ध्यान दो चार चौबीस कितना हो गया अट्ठाईस है ना, और ए सिक्स निकालना पड़ेगा क्योंकि
दो गो पद निकाला था, चार तक बदल लिया था, पांचवा निकालेंगे तो ए फाइव, छठा निकालेंगे अब तो ए प्लस कितना छ डी। सही लिखे बोलो ना, सही लिखे तो बोलता कल नहीं, हम तो जान से लिखे थे। पांच डी हो गया, ए का वैल्यू कितना है चार, पांच गुने डी का वैल्यू छ, चार के चार पांच छ तीस, तीस चार चौतीस लिख दो। इसलिए एपी के नए दो पद, नया है पद कौन होगा, अट्ठाईस कॉमा चौतीस। कैसे लिख, अट्ठाईस कॉमा चौतीस है ठीक ना। चाहे ऐसे कर सकते हो, एपी के नए दो पद लिख के पूरा एपी लिख सकते हो, पूरा एपी लिख दे। हाँ पूरा एपी लिखो कितना, चार कॉमा दस कॉमा सोलह कॉमा बाईस कॉमा अट्ठाईस कॉमा चौतीस। समझ आ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके ओके अंडरस्टूड हो गया ना। चलो नेक्स्ट दो नंबर जांचना भाई, जांचे चलो इसको मिटा देते हैं। देखो इसमें सिर्फ कथी बोला है ए निकालने के लिए, सॉरी डी, लेकिन हम ए भी निकाल लेते हैं ठीक है। चल एक्स्ट्रा कर दो, थोड़ी ना पैसा न दे, अथी पैसा दे देगा चाहे ना दे, कर लो अपने संतुष्टि के लिए। कितना है दो नंबर भाई, एक कमा माइनस एक हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, हमको एपी निकालना ठीक है ना, कथी निकालना एपी, एपी निकाले ए निकालना एक है ना, ए टू घटे डी निकालना कथी फॉर्मूला है, ए टू घटे ए वन। बोलो कोई दिक्कत, ए टू कितना है माइनस एक, माइनस एक फॉर्मूला वाला माइनस, ए वन कितना है एक, सेम सेम तो माइनस टू है ना। चलो अगला निकालेंगे ये वाला, हाँ हाँ काला काला हाँ भाई काला तरीका घुमाने से। अब ये देखो माइनस तीन लिखेंगे डायरेक्ट, घटे का थी फॉर्मूला वाला माइनस, माइनस वन जब भी माइनस में लिखो, यानी ई वाला जब माइनस में तो उसको ब्रैकेट में जरूर ले लो भाई। माइनस तीन माइनस माइनस हो गया माइनस, यहाँ तक तो संतुष्टि मिल गया। आए देखो हाई लेंगे माइनस पांच, घाटे फॉर्मूला वाला माइनस तीन लेंगे। चलो भाई माइनस पांच माइनस गुणे माइनस प्लस तीन कितना गया माइनस। बोलो भाई क्या तक जांच लिए, कोई दिक्कत हुआ, एपी में है ना कथी, एक कॉमा माइनस एक, इसको दूसरा दूसरे ढंग से लिखे बड़ा इच्छा कर रहा है, देख लीजिए एपी में है कि ना। चाहे चलो कल दूसरा ढंग से लिखे, फिर कभी ई तो कभी उ, कौन भाषा में लिखे जो समझे में ना आवे है ना, एपी में है। अब एपी में है तो कति निकालना है नया पद, तो क्या मा एक दो तीन चार दे दिया, ए फाइव निकालोगे तो ए प्लस क्या गोटी फोर डी, ए प्लस चार गुने डी का वैल्यू कितना है अभी निकाले ना, माइनस माइनस ए प्लस है ना चार में कितना हो गया, प्लस गुने माइनस कितना हो गया माइनस, चार ना रखो सॉरी सॉरी सॉरी, ए का वैल्यू कितना है बिग मिस्टेक हो गया कितना हो गया माइनस नौ माइनस सात, ध्यान दो हुआ ध्यान दो, ए प्लस कितना फाइव डी हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है प्लस पांच गुने डी का वैल्यू माइनस ठीक ना, तो एक एक प्लस गुने माइनस कत हो गया माइनस, तो कितना हो गया माइनस नौ। इसलिए है ना ए पी के नए दो पद, नए दो पद पूछा था, तीन पद पूछता तो तीन लिखते, चार पूछता तो चार, दो पद कितना होगा कितना होगा माइनस सात माइनस नौ। बोलो भाई समझ में आ गया, उतारो अवेला घाव पूछते मक्खी बहुत लगे, चलिए घाव पूछे घाव पूछे। तीसरा देखिए इसका तीसरा, हाँ तीसरा चलो भाई हम सोचे थे कि ना मिटाए, हम धीरे धीरे मिटा रहे हैं, तो बना लिखा जल्दी आओ। चलो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस दुई
कमा दुई फिर माइनस टू कमा दू कमा माइनस ऐसी है ना खत्म हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। चलो गौर से देखो पहला पद तो हो गया माइनस दू इसमें कोई दो राय नहीं। चलो टी निकालना है तो कथी करोगे ए टू बटे ठीक है ना। चलो तो ए टू कितना भाई दो माइनस ए वन कितना माइनस दो है ना। तो दो के दो माइनस गुने माइनस प्लस कितना हो गया चार। अब अगला डी निकालेंगे तब फिर कथी करेंगे ए थ्री बटे ए टू लेंगे फॉर्मूला लिख दे रहे कोई दिक्कत ना। हम क्या कर रहे हैं ऐसे लिख सकते ना पता है ना कि ए टू ए वन ले लिए तब ए थ्री ए टू लेना पड़ेगा ना। ए थ्री बोले थे कितना फॉर्मूला के माइनस ए टू बोले थे कितना दो। बोलो भाई गोतिया मिल रहा है गेलो कहानी खत्म है। लिख सकते हैं माइनस दो दो माइनस दो दो माइनस दो एपी में नहीं है ठीक ना। ठीक है ना ये ज्यादातर एपी में नहीं होगा जसने के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ओके कि निम्नलिखित में कौन एपी में है। जैसे वो बनाए थे ना तो उसमें दुगो था दुगो नहीं था क्वेश्चन इनवैलिड हो गया क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं देगा तुमको ठीक है। और ऐसा ऑप्शन होगा तो उसके विकल्प में कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें वो समाहित होगा ठीक ना ऐसा नहीं था लेकिन ओके इसको उतारिए आप लोग ऑब्जेक्टिव में इतना करके जरूरत नहीं माइंड से हो जाता है कोई चीज तो उसको माइंड में कर लो नहीं हो रहा तो फिर पेपर का यूज करो ठीक है। हाँ ज्यादातर इस प्रैक्टिस खूब करो ताकि माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन बन सके ठीक है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए पेपर यूज करना पड़ेगा पेपर यूज करोगे टाइम खपत होगा क्वेश्चन कम बनेगा नंबर कम आएगा बस इतना बात जानते हो ना सब। तो भाई साहब फोर नंबर एक 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 में से गले जीरो एक में से गले जीरो दो में से गले एक ही ऐसी ना हो गया फिर में चौथा ऐसे हम देख लेंगे कि चल उसको बता दीजिए हम लिख रहे थे क्वेश्चन नंबर दो के चल मत भूलो कि उदाहरण का हम लोग देख रहे हैं ठीक है। सर में माइनस कहाँ से हाँ मैं दिल्ली हरिंदर दुकानते दिल्ली हुआ है वो माइनस हर कहाँ माइनस दे दिया वो माइनस दो के बगल नीचे नीचे यहाँ नीचे यहाँ नहीं होता ये है अब सही है ना। चलो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक एक 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 दो तीन को दो है ना फिर तीन तीन कॉमा तीन हो गया। चलो ऐसे तुम देख सकते एपी में एक में से घटाओगे तो जीरो एक में से घटाओगे जीरो फिर दो में से घटाओगे तो एक फिर दो में से दो घटाओगे तो जीरो कभी जीरो कभी एक ऐसा कैसे होगा नहीं होगा नहीं हो जाएगा ना। लिख सकते हैं डी बराबर इसको ए लिख भी सकते चाहे नहीं लिख सकते चलो लिख देते ए बराबर कितना ए डी बराबर कितना हो गया भाई ए टू घटे ए वन है ना। तो ए टू का वैल्यू कितना ए वन भी कितना कितना हो गया लड्डू फिर अगला डी निकालेंगे तो कती होगा इगला लेंगे एक घाटे कितना फिर लड्डू फिर अगला निकालेंगे तो कती होगा दो घाटे एक तो कितना हो गया एक ऐसे ही पे हम ना अति खुश नहीं हुए ई गेलो कभी जीरो जीरो कभी एक फिर आएगा जीरो एक ऐसे नहीं चलेगा एक तो एपी में नहीं डायरेक्ट हो जाएगा एपी में हो गया। अब इसको उतारने के बाद एक्सरसाइज निकालिए 5.2 एक्सरसाइज निकालिएगा 5.2 एक्सरसाइज 5.2 और यहां से हम लोग क्या करेंगे एक के एक छोड़ देंगे एक के दो छोड़ देंगे एक के तीन छोड़ देंगे एक के चार छोड़ देंगे एक के सब छोड़ देंगे ठीक है। आ जाते हैं देख नंबर दो पे क्वेश्चन नंबर दो पे दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखे जबकि प्रथम ए प्रथम पद ए और सारा अंतर्गत डी निम्नलिखित है। भाई साहब
ए दे दिया और डी दे दिया तब और पद नहीं निकाल सकते इसमें, इसी में तो नया पद निकाले है ना हम लोग, तो ए और डी दे देगा तो नया पद कथी एपी पूरा के पूरा निकाल सकते हम लोग है ना। ए को कोई हमारा से इसमें से पूछ लो, कोई एगो दू में से कोई एगो पूछ लो, कोई तुम्हारा मर्जी। चार नंबर बता दे, चलो चार नंबर बता देते दुके। आपको एपी निकालना है, ए और डी दे दिया तो ए कितना दे दिया माइनस एक और डी कितना दे दिया एक बटा, तो तुमको तो पहला पद दे दिया तो दूसरा निकालना पड़ेगा ना। तो ए टू, ए टू निकालना, ए टू निकालने के लिए क्या करते हो फॉर्मूला ए प्लस, अरे है ना भाई पता एक कितना माइनस एक प्लस, उतारो मत समझो अभी उतारे कोई डी का वैल्यू कितना है एक बटा, अभी के जो आता है ना इसमें गुणा करते हो माइनस दो प्लस है ना एक बटा में दो, फिर का जो आना चाहिए ना कुछ तो बटा में एक है, एक दो कैल्सियम लिए थे कितना हो गया दो, और इसमें इसमें इससे भाग दो तो दो आएगा, दो में इससे गुणा करते कितना दो, जो साइन से लिख देगा प्लस है तो प्लस, इसमें इससे भाग दो तो एक आएगा एक कम एक, और जिसको भिन्न के जो नहीं आता है वो जय हो, हम कुछ नहीं कर सकते आगे। दो में से गया एक बटा, ए टू निकल गया, ए थ्री निकालो, ए थ्री निकाल गया क्या फॉर्मूला ए प्लस टू डी, बोल नहीं रहा है सब, एक अवल बताओ अपना लेट, अपना लेट होगा देख के बोलना है तो क्या होगा माइनस एक प्लस दो, डी का वैल्यू कितना होगा एक बटा दो, इससे ही क्या हाँ कौन माइनस में एक बटा दो, चल हो गया ना हाँ माइनस एक है ना प्लस गुणे माइनस का तो क्या माइनस है ना, एक बार तो नहीं कटा एक कम माइनस दो आ गया, ए थ्री निकल गया, ए फोर निकाल लो, ए प्लस का थ्री टू का ऊपर निकाल के बोला देखो क्वेश्चन में चार पद लिखे ना आराम से हो गया, चार पद तो हो गया ना, ए का वैल्यू माइनस एक प्लस दो गुने डी का वैल्यू कितना माइनस में ना माइनस बोले माइनस का बोला था माइनस में माइनस में कहा मटी दे माइनस में बोला परिसर बट गया ना लट्टू हो जाएगा माइनस में नहीं ना था ना हो गया हो गया बट गया क्या मतलब एक मिनट एक कम फिर से मारा तो नजर है कहीं कहां मिस्टेक हो रहा सब सुतल है सुतल है बाकल से ए हटाओ हट हटाओ वहां से हट जाओ बोले पटा से मुझे अगले क्लास में है बाकल से मार कितना होगा तीन हम गलती लिखेंगे मार तुम लोग खाओगे पहले बता रहे हैं ठीक है ध्यान दे दे उन पर तीन करो नहीं कटेगा तो तीन कम तीन बटा कितना होगा दो माइनस एक अच्छा इसका भिन्न का जोड़ करोगे ना माइनस दो हो जाएगा प्लस तीन हो जाएगा दो गया तीन में से दो गया कितना एक बटा चार का पद निकाला था ना लिख दो हट भाई क्या लिखेंगे इसलिए एपी के चार पद कौन होगा भाई बोले चौथा एक पद कितना है माइनस एक दूसरा माइनस एक बटा तीसरा जीरो चौथा एक बटा दो हो गया। इस तरह से हम लोग इसको भी फाइंड कर लेंगे, आप कर लीजिएगा इसको ठीक है, थोड़ा जल्दी उतारिए बस थोड़ा सा जल्दी वीडियो फेन चालू करो पांच दशमलव एक है एक एक सदु लिखवा दिया तो तुमको बोलना चाहिए था ना क्वेश्चन नंबर ही गलती है क्या नंबर है चार है ना चार है ना ठीक हंस रहा है कि बोलता तो है नहीं कुछ क्वेश्चन देखता है नहीं अब रुको अब जान से गलती लिखेंगे तो ऐसा थूरेंगे एक आएगा ई बेंच टारगेट हो गया फिर एक बाद ओ बेंच फिर ओ बेंच इससे भजा के मारेंगे भजा के मारेंगे चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट 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 और इसमें का सब क्वेश्चन बना लेना तू सब ठीक है डब्बा कहाँ है लाओ ने हाय ओने हाय
जबिया से का कर ल हौ का हौ गुलगाए मारला पीछे छोड़ ल ओए हौ लाड़े हुआ किताब ला तो दरक ला ना देखबे त ये हमरा मारला हबो चलिए तो दो के बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ओके हाँ। बोला निम्नलिखित में से कौन सॉरी निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए न लिख दो बोले पहला और सारांतर हाँ। तो पहला पद लिखने का मतलब कथी है ए लिखना है और सारांतर लिखने का मतलब डी निकालना है कोई भी आना से एक क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो आना तो छोड़ सकते हो बोलो कौन बता दे चार बता दे चार बता दे चार की तीन बोलो हम कहिया तीन चार बता रहे ठीक है देखो तीन में भिन्न के जोड़ घटाव करना पड़ेगा बन जाएगा चलो भाई तीन के चार कह रहा है छह सात आठ पहला पद हो गया 0.6 हो गया बी निकालना था बाद वाला में से पहले हो गया ना ए टू कितना है 1.7 दोनों दशमलव दोनों जगह संख्या में बराबर है दो को दो है एकदम सही घटाव सही हो जाएगा सात में छह गलई एक में जीरो गलई एक कितना दशमलव एक हो गया चलो अगला देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित में से नहीं रुके के बाद उतरना ना निम्नलिखित में से कौन एपी है यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए देखो भाई एपी तुमको जाचना है रुक जा भाई लिख लेना ऊपर एपी कौन है देखना रे क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में कौन एपी है क्वेश्चन नहीं पड़ेगा बोल रहे क्वेश्चन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन एपी है यदि कोई एपी में है तो इसका सारांतर ज्ञात तीन और पद लिखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करवाए अभी उदाहरण में चल इसमें से हम जो है एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे तुम लोग करके आना ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं एपी जांचना है एपी जाके तीन और निकाल तो डी यदि कोई एपी में होगा तो उसे क्या को और पद लिखना है तीन को हाँ तो इसमें पद गिन लेना हाँ। मतलब चार को आता है ए पचमा ए छठा ए सतमा निकालना यदि पांच को आता है ए छठा ए सतमा ए आठवा ऐसा करके इसको बना लेना ठीक है बाद बाकी ये हो गया चलो इतना उतारो तो फिर आगे चर्चा कर रहे इसमें चलिए भाई बढ़िया आगे किताब फिर छोड़ दिए नहीं अभी तो किताब लेके नहीं गए किताब चुरा के रख ला ला चलो देखो तो ई तो एक्सरसाइज हो गई खत्म तू सब बना ली अगला एक्सरसाइज निकालो अब 5.2 से पहले उदाहरण तीन देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन उदाहरण तीन देखा सब पढ़ो भाई एक बार पढ़ लो क्वेश्चन नहीं तो फिर पिटाई खाओगे भाई साहब एक्सरसाइज कितना 5.2 ओके ओके ये उदाहरण किसे संबंधित है उसी अर्थात एक्सरसाइज से इसलिए लिखती है कोई दिक्कत नहीं उदाहरण कितना तीन है ना एपी इतना 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 यानी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है एपी 2, 7, 12 का दसवां पद क्या ओहो क्वेश्चन इधर था पढ़ ली उधर एपी ना लाइन बन लिया 2, 7, 12 का दसवां पद क्या कर रहे ना यही है चलो भाई याद करे तो ए कितना है दो डी कितना है एक ऐसे करेगा चलो देख चलो ए टू घटे क्या पद निकाला दसवां ए 10 तो ए प्लस का डी निकाल सकते हो भाई एक आलो दो प्लस 9 गुने डी का वैल्यू 5 दो 9 5 45 बोर्ड मास आता है ना पहले गुना का होता ठीक ना हां इसलिए ए दसमा कितना हो गया बोलो भाई कोई दिक्कत ना दिक्कत तो होना चाहिए बना क्वेश्चन में ये दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुआ क्वेश्चन नंबर 7
हम जो अथी बता रहे हैं आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका है, एक बार ध्यान देना ठीक है ना, जल्दी से जल्दी बनेगा। और एग्जाम में जरूरी नहीं ए टू ए वो लिखना, एक साथ में तू ऐसे भी लिख सकते हो, समझा? इसे थोड़ा ध्यान दो, समय बचेगा ठीक है ना। तो एग्जाम में समय बचाने का भी कोशिश करना है, जब यहाँ टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये चीज यूज करना ठीक है ना। चलो भाई इसको मोटा रहे हैं, अब क्वेश्चन देखिए क्या करा है आपको। क्वेश्चन नंबर चार यानी उदाहरण चार है, कह रहा है कि एपी का 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81। अब इसको इसका तो सारे अंतर निकाल के फिर बढ़ते 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 जाओगे तो पता चलेगा कौन सा पद 81 है, ऐसे समय लगेगा ना। तो इसके लिए हम लोग दिमाग लगा लेंगे डायरेक्ट, पहले तो एपी लिख लो है ना, पहले एपी लिख लो। उदाहरण ठीक ना, तो एक कितना हो गया भाई 21, तीन निकाल लो तो 18 घटे कितना 21, इतना का माइनस 3 हो गया। अब तो इतना समझ में आ गया, चाहिए कुछ भारी दान करे छो आगे दे दो, यहाँ पे तीनों को फिट कर देंगे समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, माना की लिखेंगे कथी, माना की है ना, एपी का एनवा पद कथी कथी है 81 है, कथी है 81 का एपी का एनवा पद माइनस 81 है, इसको लिख सकते हैं एनवा पद, एनवा को ऐसे ना लिखते हैं माइनस 81। इसका फॉर्मूला जानते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लिखा है कि नहीं, माइनस 81 बोलो भाई, लिखा है कि नहीं, तुम भी समझो, इसको उधर भेजेंगे एन माइनस 1 और माइनस बराबर माइनस 81, ये प्लस में उधर जाके माइनस, बोलो भाई कोई दिक्कत ना, ना। चलो समझो, अब यहाँ पे देखो इसको गुणा करा इधर, तो एन को 3 से तो माइनस 3 एन हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस तो माइनस हो गया, और 3 में एन से तो 3 हो एन हो गया, माइनस गुणे माइनस कथ हो गया, और 1 से इससे करा होता जस के 3 बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1, 1, 2 है ना, 8, 2, 10 माइनस में 10 हो गया 102। चलो भाई माइनस 3n बराबर कितना गया माइनस 102, प्लस में है इधर जाके माइनस, भाई साहब n बराबर देखो तो जोड़ोगे दोनों का सेम से जुड़ जाएगा ना, माइनस में 105 गुना में कितने चला है भाग में, भाग माइनस से माइनस को लो 3 3 9 एक बचे यानी 15 एक बचे 15 इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 35 है ना, अतः एक बार पर 35वां पद माइनस 81 होगा, समझा हो, भाषा समझ में आया, यहाँ आंसर न लिखे समझा गया, ये जो है थोड़ा भाषा हो गया, अच्छा से लिख दिया ना, समझ जाएगा, वाह लड़का पढ़ता अच्छा, चलो अच्छा कहेगा एकदम भाषा बोलू लड़का को आता है लिखने। अब क्वेश्चन नंबर उदाहरण कितना 5 देखिए ठीक है, उदाहरण नंबर 5 उदाहरण 5 देखो भाई, कह रहा है कि वह है एपी निर्धारित की जिसका तीसरा पद कितना 5 और सातवां पद 9, यानी आपको एपी बताना जिसका तीसरा पद कितना है 5 और सातवां पद 9, तीसरा पद ना, तो तीसरा पद को हम लोग कैसे लिख सकते, A3 कितना दे दिया है 5 ये है ना, सो लिख सकते हो A+2D लिख सकते हो, पर कितना 5, तीसरा पद बोला ना 5, इसको लिख सकते हैं A+2D, तीसरा पद को ऐसे ले लेते हैं 5 के पास समीकरण, फिर क्या बोला है सातवां पद कितना 9, सातवां पद को कैसे लीजिए A+6D बड़ा कितना समीकरण, सॉरी बड़ा कितना 9, समीकरण कितना 2, समीकरण 1 और 2 में दिख रहा है कुछ, हमको तो दिख रहा है तुमको दिखा, लेफ्ट लेफ्ट दिखा क्या दिखा लेफ्ट साइड बराबर
अरे लेफ्ट साइड छोड़ ना, समीकरण एक और दूसरे कुछ करने वाला है कथा एक काट जैसे उसे लुप्ती कराने याद ना लो हो गया लो भाई साइन चेंज करो लो फसुआ काट दिए छ डी में से दो गोटी जाएगा डी माइनस में है चार गोटी माइनस में बचेगा बराबर नौ में से पांच जाएगा तो माइनस में चार बचेगा डी बराबर कितना माइनस चार बटा में कितना माइनस चार बोलो भाई माइनस से माइनस गया चार कम डी का वैल्यू कितना हो गया एक चलो यहाँ तक कोई दिक्कत समीकरण क्या है एक कुछ में रख दो समीकरण एक में डी का मान रखने पर समीकरण एक कहा यही है ना ए प्लस टू डी बराबर कितना पांच ए प्लस दू गुने डी का एक बराबर पांच तो ए प्लस दू एक कम दू बराबर कितना पांच तो ए बराबर कितना हो गया पांच घटे दू तो ए बराबर कितना हो गया बोलो भाई एपी अपना निकलेगा निकाल दो या तो डायरेक्ट लिख दो समझा या निकाल लो पहला तो निकला है तो ए टू तो ए प्लस डी है ना भाई ए टू निकाल है ना तो ए प्लस डी तो ए का वैल्यू कितना डी का वैल्यू तो कितना हो गया और ए थ्री है ना बुआ तो ए थ्री क्या होगा ए प्लस टू डी है ना भाई तो ए सॉरी ए का वैल्यू कितना तीन प्लस दो गुने डी का वैल्यू तो तीन प्लस दो कम दो बराबर कितना पांच बोलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत चलो एक बढ़ रहा है ना ऐसे समझ सकते हो बहुत अच्छा है दिमाग लगाया डायरेक्ट भी लिख इसलिए बता डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अन्यथा तुम मर्जी ए फोर कितना होगा ए प्लस थ्री डी तो भाई साहब ए का वैल्यू कितना तीन प्लस तीन गुणे कितना वन बराबर तीन प्लस तीन कम छ इसलिए एपी कौन होगा पहला बोलो ए का वैल्यू कितना तीन कमा चार फिर हो गया हो गया ना तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं समझा ना ऐसा क्वेश्चन बना सकता है ना तो हर तरह का क्वेश्चन करा दे एक बार क्वेश्चन करा देंगे तो हो गया अब बन जाते कि चलिए ध्यान दीजिएगा अब जो है इस एक्सरसाइज में यानी 5.2 में आपसे जो भी क्वेश्चन बनेगा यानी जिस टाइप के क्वेश्चन करा दिए उस टाइप के क्वेश्चन कर करके खोज खोज के कर लेना है ओके कर लोगे चलो उसके बाद गेस से वैसा प्रश्न कर लेना जो आज जिस टाइप के कराए हैं या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव भले क्वेश्चन 50 हो क्यों ना पूछा कर हम नहीं जानते क्योंकि तुमको मैथ के लिए 3 घंटे तो समय देता ही हो कम से कम बाकी सब्जेक्ट के लिए भी दो ठीक है तो आज भर मैथ को यहीं पे हम लोग रोकते हैं कल ही चैप्टर हो जाएगा ठीक है।